रणधीर कपूर और स्वर्गीय ऋषि कपूर के छोटे भाई राजीव कपूर का निधन 9 फरवरी मंगलवार को मुंबई में हुआ। वो 58 साल के थे। उन पर शदीद दिल का दौरा पड़ा। उनके भाई रणधीर कपूर उन्हें लेकर करीबी अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक उनका देहांत हो चुका था। रणधीर कपूर ने अपने भाई की अचानक मौत पर बहुत गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा, मैंने अपने छोटे भाई राजीव को आज खो दिया है। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की लेकिन वो उसे बचा नहीं पाए। राजीव कपूर की पहली फिल्म थी एक जान है हम, जो सन 1983 में बनी थी। उनका घर का प्यार से पुकारा जाने वाला नाम चिंपू था। चिंपू की बेहद कामयाब फिल्म थी राम तेरी गंगा मैली, जो सन 1985 में आई थी। अगस्त 1962 में जन्मे राजीव कपूर ने फिल्म प्रेम ग्रंथ डायरेक्ट की थी। वो इस फिल्म के प्रोड्यूसर और एडिटर भी थे। इस फिल्म में उनके बड़े भाई ऋषि कपूर हीरो थे और हीरोइन थी माधुरी दीक्षित। ये फिल्म 1996 में आई थी। '99 में उनकी फिल्म आई आ अब लौटने। इस फिल्म को उन्होंने प्रोड्यूस किया था रणधीर कपूर और ऋषि कपूर के साथ। इस फिल्म के हिदायतकार थे ऋषि कपूर। इस फिल्म के अलावा उन्होंने फिल्म हिना भी प्रोड्यूस की थी। राजीव कपूर की पहली डायरेक्टोरियल फिल्म थी प्रेम ग्रंथ। उसकी हीरोइन थी माधुरी दीक्षित। उन्होंने एक ट्वीट के जरिए कहा है कि वो खुशकिस्मत हैं कि उन्होंने राजीव कपूर जी की डायरेक्शन में काम किया। प्रेम ग्रंथ एक मुश्किल सब्जेक्ट था जिसको उन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से टैकल किया था। मुझे याद आते हैं वो खूबसूरत लम्हात जो हमने साथ में गुजारे थे। मैं अपने दिल की गहराइयों से अपने गम का इजहार करती हूँ। वो आखिरी बार फिल्म जिम्मेदार में नजर आए जो 1990 बनी थी। 21 साल बाद फिर से उनकी फिल्मों में वापसी हो रही थी आशुतोष गोवारिकर की फिल्म टूल साइड जर्नी से। इस फिल्म में उनके साथ थे संजय दत्त। महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने एक ट्वीट के जरिए अपने गहरे दुख का इजहार उनके परिवार और दोस्तों से किया है। मशहूर गायिका लता मंगेशकर ने अपने ट्वीट में अपने गम का इजहार कुछ इस तरह किया है।
अभी पिछले साल 30 अप्रैल 2020 में ऋषि कपूर के देहांत से कपूर फैमिली ठीक से संभल भी नहीं पाई थी कि 10 महीने बाद उन्हें दूसरे बड़े गम का सामना करना पड़ गया। आइडिया जेनेटिक स्टूडियो कपूर फैमिली के गम में बराबर का शरीक है। रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। श्रद्धांजलि।